हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मिस्टर क्रिएटिव की एक और फ्रेश वीडियो में। तो गाइज, यहाँ पे ग्लास पे होल करने के लिए मैंने चार पॉइंट शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर वन पॉइंट की, जो कि है सिलेक्शन ऑफ ड्रिल बिट। दोस्तों, यहाँ पे ग्लास में होल करने के लिए जो ड्रिल बिट मार्केट में आती है वो दो तरह की आती है। एक जो है वो है राउंड शेप में आती है, डायमंड कोटेड ड्रिल बिट, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है और ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको आसानी से मिल जाती है। और जो दूसरी तरह की ड्रिल बिट आती है ग्लास के लिए वो है हार्ड ब्रिटल सिरेमिक मटेरियल। तो इस तरह की दो ड्रिल बिट मार्केट में आती है। जो मैं इस वीडियो में ड्रिल बिट यूज़ करने वाला हूँ वो ये है, हार्ड ब्रिटल सिरेमिक मटेरियल वाली ड्रिल बिट है। बाकी दोनों ही ड्रिल बिट से होल करने का मेथड सेम होता है, इसलिए आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें क्वालिटी बहुत सारी आती है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब ख़राब क्वालिटी की भी आती हैं। तो आपको एक अच्छी रिलायबल कंपनी की जो ड्रिल बिट है वो ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो काफ़ी दिनों तक आपका साथ निभाएगी। वरना कई सारी ड्रिल बिट तो ऐसी ही होती हैं कि उनमें एक होल या दो होल करने पर ही ख़राब हो जाती हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेटिंग जो है वो है इस ड्रिल मशीन को सेट करना, वरना इसकी वजह से आपका कांच टूट भी सकता है। तो दोस्तों, हमें अपनी ड्रिल मशीन सिर्फ ड्रिल मोड में रखनी है, ना कि हैमर मोड में, क्योंकि अगर हैमर मोड में आप ड्रिल मशीन यूज़ करेंगे तो आपका जो है ये कांच टूट जाएगा। और जो मशीन की जो स्पीड है वो मैं नंबर दो गियर से नंबर एक गियर पे ले आता हूँ ताकि स्पीड कम रहे, क्योंकि ग्लास में अगर आप वर्क करते हैं तो आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत ही आराम आराम करना है, जिसकी वजह से आपकी जो फिनिशिंग आएगी वो काफ़ी अच्छी आएगी और होल काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और बिना आपके ग्लास को नुकसान किए हुए। तो गाइज, अब बात करते हैं नंबर तीन स्टेप की, जो कि है वाटर सप्लाई देने की। यानी कि हमें जहां पर होल करना है वहां पर पानी की कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए ताकि आपकी ड्रिल बिट बहुत अच्छे से होल कर सके और जल्दी से ख़राब ना हो। वैसे वाटर सप्लाई हम लोगों ने पहले वीडियो में भी देखा है, जब मैंने ग्रेनाइट पे होल करने का तरीका बताया था उसमें भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ी थी वाटर सप्लाई देने की। तो पिछली बार की वीडियो में मैंने एक जुगाड़ बनाया था, जो कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने वो जुगाड़ बनाया था पानी की सप्लाई देने के लिए, क्योंकि आप लोगों में से कई सारे लोगों के कमेंट भी आए थे उस वीडियो में। तो पानी सप्लाई देने के लिए जो मैंने जुगाड़ बनाया था वो सिर्फ एक नॉर्मल सी आधा लीटर की या एक लीटर की या दो लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल, और आप एक जो ग्लूकोज में जो पाइप, यानी कि हॉस्पिटल में जो ग्लूकोज वगैरह चढ़ते हैं उसमें जो पाइप यूज़ होता है उसका यूज़ करके आप ये जुगाड़ बहुत आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, नंबर फोर स्टेप है हमारा, डोंट अप्लाई टू मच प्रेशर व्हाइल ड्रिलिंग। यानी कि हमें कांच पे या ग्लास पे होल करते वक्त बहुत ज़्यादा ड्रिल मशीन पर प्रेशर नहीं डालना, यानी कि ऊपर से दबाव नहीं डालना, बस हल्का सा दबाव रखना है और ड्रिल मशीन धीरे धीरे कांच पे होल करती जाएगी। बहुत धीरे ड्रिल मशीन कांच में होल करती है, लेकिन धीरे धीरे होल करने का फ़ायदा यह है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो आप लोग बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें और बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल भी ना अप्लाई करें। थोड़ा बहुत मोटा ग्लास है तो ये प्रेशर चल भी जाएगा, लेकिन अगर आपका ग्लास बहुत पतला है तो फिर क्रैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ज़्यादा प्रेशर डालने में। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कांच पे ड्रिल करते वक्त। बाकी आप सोच भी नहीं सकते कि कांच पे ड्रिल कितनी आसानी से हो जाएगा अगर आप ये चार स्टेप फॉलो करते हैं।
तो गाइज उम्मीद है आपको इस वीडियो से कांच में होल करने के जो भी टिप्स एंड ट्रिक है वो समझ में आ गया होगा और अब आपको कांच में होल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी। वैसे गाइज कांच में होल करने के लिए काफी पेशेंस चाहिए, जितनी ज्यादा पेशेंस रखेंगे यानी कि जितनी ज्यादा आराम से आप होल करेंगे उतने ही ज्यादा अच्छे से फिनिश आएगी। यानी कि जो इन होल के एजेस में हल्के हल्के होल के आसपास थोड़े से क्रैक के छोटे छोटे निशान आ जाते हैं वो सारे नहीं आएंगे अगर आप बहुत ही ज्यादा आराम से ड्रिल मशीन चलाएंगे और ड्रिल मशीन ज्यादा हिलाएंगे नहीं। बाकी उम्मीद है आपको इस वीडियो से इतना तो आइडिया मिल ही गया होगा कि कांच में होल कैसे करते हैं। वैसे देख रहे हैं कि आजकल वीडियो बनाना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, गर्मियों के टाइम में कुछ ऐसी हालत हो जाती है। वैसे ये दिखाना तो थोड़ा डिस्कस्टिंग लगता है लेकिन मैंने कहा कि आप लोग को ये एक्सपीरियंस भी दे दूं कि ये जो वीडियोस आपके सामने बनती हैं इतनी ज़्यादा आसानी से नहीं बनती, उसके लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। बाकी ज़्यादातर यूट्यूबर्स या ज़्यादातर लोग अपने काम में खून पसीना तो बहाते हैं क्योंकि कोई भी काम बिना मेहनत के पॉसिबल ही नहीं है। बाकी उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता ही यार दोस्तों, तो वो ज़रूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।